नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइफ टाइम के लिए पांच शेयर, पांच ऐसे बेहतरीन शेयर जो कि हमेशा पॉजिटिव रिटर्न दिया है। मतलब इस गिरावट में भी आपको ये शेयर आपको रिटर्न देता हुआ मिलेगा। तो मतलब कोई भी सिचुएशन आ जाता है, कोई भी वैसा समय आ जाता है जिसमें कि और सभी कंपनी आपको भारी गिरावट में देखने मिल सकती है, मतलब स्टॉक मार्केट में आपको बहुत ही बड़ी गिरावट देखने मिल सकती है, उसके बावजूद ये सारी कंपनियों आपको एक अच्छा रिटर्न देता हुआ मिलेगा। तो आज आपको पाँच शेयर बताते हैं जो अभी भी जो इन्वेस्टर्स है उसे पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है इस भारी गिरावट में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और साथ ही बता दें, हमारे चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज हैं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो इन सारे वीडियोज को जाइए हमारे चैनल पर और देखिए और स्टॉक मार्केट को सीखिए। तो जो पहला हमारा स्टॉक्स है वो है नेस्ले इंडिया FMCG सेक्टर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस भारी गिरावट में, जैसा कि आगे बताया जा रहा है कि डिफ्लेशन आने वाला है, तो डिफ्लेशन के चलते आपको बहुत सारे स्टॉक्स में एक तेज गिरावट देखने मिल सकता है। लेकिन ये जो स्टॉक है, देख सकते हैं नेस्ले इंडिया, अभी इसका जो करेंट प्राइस है 17,950 और इसका जो आप मतलब ऑल टाइम हाई देखेंगे तो वो है हमारा 18,369 रुपीज। मतलब ये अपने ऑल टाइम हाई के ही करीब है, मतलब इसमें कोई भी ज़्यादा गिरावट नहीं आई है। यहाँ पर आप चार्ट पे देख सकते हैं कि जो हमारा है 23 मार्च को इसमें गिरावट देखा गया था, मतलब ये गिरावट इसमें आई थी, ये 12,944 तक गया था। उसके बाद फिर से ये देख सकते हैं अपने 52 वीक हाई, मतलब जो ऑल टाइम हाई है उसके पास पहुंच चुका है। तो इस स्टॉक में आपको हम एक लॉन्ग टर्म में चार्ट देखते हैं। देखिए मैक्सिमम ईयर तो ये 2010 में ही इसका यहाँ से मतलब करीब लिस्टिंग हुआ है और यहाँ से देख सकते हैं आप ऑल टाइम का देख लीजिए इसका ट्रेंड, तो हमेशा ये अप ट्रेंड में रहा है। मतलब ये आपको हमेशा पॉजिटिव रिटर्न दिया है। यहाँ से मिलाइए, देखिए इस ग्राफ को मिलाइए, देखिए ये किस तरह से हमेशा अप ट्रेंड में रहा है। तो लगातार ये जो इन्वेस्टर है उसे पॉजिटिव रिटर्न दिया है। आप यहाँ से मिलाएंगे तो देखिए इस तरह का ग्राफ है, तो कुछ इस तरह का ग्राफ, ये हमेशा अप ट्रेंड में रहा है। यहाँ बीच में देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें ये थोड़ा यहाँ से चाल सुस्त था इसका, 14 से 16 17 के बाद ये रफ्तार पकड़ लिया। देख सकते हैं लगातार ये अपना नया हाई बनाते जा रहा है। तो ये एक बिल्कुल ही पोर्टफोलियो स्टॉक्स है और यहाँ से आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर टिकर टेप पर जब आप आते हैं तो यहाँ आपको बहुत सारे जो रेडीमेड रूप होता है, मतलब सारी रिसर्च करके ये वेबसाइट आपको बताता है उस स्टॉक के बारे में। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं जो इंट्रेंसिक वैल्यू है, करेंट प्राइस का मोर देन इंट्रेंसिक वैल्यू, जो इंट्रेंसिक वैल्यू इसका होना चाहिए उससे करेंट प्राइस से ज़्यादा है। और स्टॉक्स जो है हमेशा FD से ज़्यादा मतलब जनरेट किया है रिटर्न। यहाँ पर कह रहा है एट्रैक्टिव डिविडेंड भी देता है, देख सकते हैं गुड टाइम टू कंसिडर स्टॉक इज नॉट इन और ओवरबॉट जोन। तो यहाँ कह रहा है देख सकते हैं कि यह हमारा अच्छे मतलब अभी जोन में है जहाँ आप इसे कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन हम बोलेंगे इसमें आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, जैसे इसमें थोड़ी सी गिरावट आती है तब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी आप इन्वेस्ट ना करें क्योंकि ये 52 वीक हाई पे है, तो क्योंकि आप तब फिर बहुत ही लंबे समय के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, तब फिर ये अपने प्राइस को रिकवर करेगा, तो इसलिए थोड़ा वेट कर लें। आगे क्या होता है, मार्केट में गिरावट आती है या मार्केट में तेज़ी देखने मिलती है, ये आपको वेट करना पड़ेगा। जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको बताए भी थे, तो पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है। अब कह रहा है स्टॉक जो हमारा ASM और GSM लिस्ट में भी नहीं है और जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो भी प्लेस नहीं है, तो देख सकते हैं नोट ए लॉट ऑफ प्रमोटर्स होल्डिंग प्लेस्ड, ना तो डिफॉल्ट का कोई प्रोबेबिलिटी है, बहुत ही लो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी है। मतलब डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी जैसे आप इन्वेस्ट करते हैं प्राइस जो उसका बहुत ही तेज रफ्तार से नीचे आने लगता है। आप देखिए कुछ पैरामीटर्स यहाँ देख लेते हैं, तो कह रहा है पी रेशियो, देख सकते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है 87.80 रुपीज़। और दूसरा का जो पी ए रेशियो है मतलब सेक्टर का, तो सेक्टर का पी रेशियो देख सकते हैं बहुत ही कम है। मतलब ये अभी स्टॉक्स आपको इंट्रेंसिक वैल्यू से बहुत ही हाई प्राइस पे मिल रहा है, पी रेशियो देख सकते हैं बहुत ही हाई है। उसके बाद पीवी रेशियो देख सकते हैं, पीवी रेशियो भी ज़बरदस्त है, इस स्टॉक्स का पीवी रेशियो ज़बरदस्त है, मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो बहुत ही अच्छा है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू जिस स्टॉक का जितना बेहतर हो, मतलब एक रुपया के प्राइस के लिए, एक रुपया बुक वैल्यू के लिए 89 रुपीज़ तक इन्वेस्टर देने के लिए तैयार है, तो देख सकते हैं पीवी रेशियो बहुत ही हाई है।
उसके बाद डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं, वन से कम है लेकिन डिविडेंड यील्ड थोड़ा ठीक ठाक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सेक्टर का डिविडेंड यील्ड इससे ज़्यादा है, तो डिविडेंड में ये थोड़ा क्योंकि महंगा स्टॉक है इसलिए डिविडेंड यील्ड थोड़ा कम देखने आपको मिल रहा है। तो ओवरऑल ये अच्छा स्टॉक्स है, आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। ये एक बिल्कुल पोर्टफोलियो स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में हर समय के लिए होना चाहिए। उसके बाद देख सकते हैं डीमार्ट। डीमार्ट एक बेहतरीन शेयर है और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के लिए बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा अगर आप डीमार्ट में इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए इसके चार्ट को देखते हैं। तो और देख सकते हैं मैक्सिमम ईयर का चार्ट हमने लगाया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं 2017 में इसका लिस्टिंग हुआ था और लगातार ये देख सकते हैं अप ट्रेंड में है। तो ये स्टॉक्स भी बिल्कुल बेहतरीन है, यहाँ से आप देखिए चार्ट को मिलाइए, देख सकते हैं किस तरह का अप ट्रेंड चार्ट है। यहाँ बीच में गिरावट आया था, ये गिरावट था कि जो होल्डिंग था इसमें प्रमोटर्स का वो 75% से ज़्यादा था, तो उस प्रमोटर्स की होल्डिंग को 75% से कम करने में ये स्टॉक में गिरावट देखने मिला था। तो जैसे प्रमोटर्स ने मतलब माल को बेचा, जो शेयर को बेचा, तो वहाँ पर जो भारी मात्रा में शेयर सेल किया गया तो जो बायर्स की कमी हुई उसके कारण इसमें गिरावट देखने मिली। उसके बाद हमारा इसमें बात करते हैं कि जो हमारा इंट्रेंसिक वैल्यू है, तो करंट प्राइस कह रहा है मोर देन इंट्रेंसिक वैल्यू है और रिटर्न जो है एफडी के वर्सेस एफडी से बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट किया है और ये कोई डिविडेंड आपको प्रोवाइड नहीं करता है क्योंकि इस कंपनी में आगे आपको बहुत ही तेज ग्रोथ देखने मिलेगा क्योंकि कंपनी लगातार अपना जो बिजनेस है उसे एक्सपेंड कर रही है, इसलिए डिविडेंड देखने बहुत ही कम मिलेगा आपको। अब कह रहा है गुड टाइम टू कंसिडर नोट ए ओवरबाउट जोन, मतलब ये ओवरबाउट जोन में नहीं है, मतलब इसमें जो स्टॉक्स है उतना बाय नहीं किया गया है कि आप इसे कंसिडर नहीं करें। उसमें डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी लो है, प्रमोटर्स का कोई भी होल्डिंग प्लेस्ड नहीं है, तो ये फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, इसे आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये आपको बहुत ही हाई, जो अच्छे स्टॉक्स है वो जनरली आपको हाई प्राइस हाई बुक वैल्यू, मतलब प्राइस के कंपेरिजन प्राइस और बुक वैल्यू का जो कंपेरिजन है वो भी हाई ही मिलेगा क्योंकि जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं उसकी यही खासियत होती है। तो देख सकते हैं पी रेशियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब एक रुपया अर्निंग के लिए 163 रुपीज़ देने के लिए इन्वेस्टर तैयार है, ये होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम है या तो कंपनी वो ख़राब होगा या तो वो जो स्टॉक्स है अंडर वैल्यूड है, लेकिन ये स्टॉक्स तो अभी अंडर वैल्यूड नहीं है, अपने जो इंटरेस्टिंग वैल्यू है उससे अधिक प्राइस पे है। उसके बाद देख सकते हैं सेक्टर का पी मात्र 43, आप देख सकते हैं इससे कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है, देख सकते हैं 4 टाइम्स, मतलब और जो सारे स्टॉक्स है इसके सेक्टर के उससे 4 गुना प्राइस देने के लिए तैयार है इन्वेस्टर इस स्टॉक के लिए, मतलब कंपनी में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, आगे इसके ग्रोथ की बहुत ज़्यादा संभावना है। उसके बाद आप देख सकते हैं पीवी रेशियो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, मतलब एक रुपया जो बुक वैल्यू है कंपनी का उसके लिए 25 रुपया देने के लिए तैयार है इन्वेस्टर। और वही सेक्टर में देख सकते हैं सेक्टर के अन्य कंपनियों जो है, मतलब एवरेज कहें बात जो सेक्टर है उसके एवरेज पीवी की रेशियो, तो मात्र 10 रुपया जो है 1 रुपया बुक वैल्यू के लिए देने के लिए तैयार है इन्वेस्टर, और सारी जो सेक्टर की कंपनियाँ हैं उसका एवरेज है। और डिविडेंड तो बिल्कुल 0 है, डिविडेंड तो अभी कंपनी ग्रोथ कर रही है तो डिविडेंड देती ही नहीं है। तो इन सारे बातों को ज़रूर रिसर्च करें आप, इस पे रेडीमेड वेबसाइट है tickertape.in, इस पे आप रेडीमेड रूप में सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी कंपनी है एशियन पेंट, चलिए इसके चार्ट को दिखा दें, देखिए 1 मंथ का चार्ट 13% रिटर्न, चलिए देखिए 1 ईयर का चार्ट 26% रिटर्न, देख सकते हैं जहां सारी कंपनियां 50% करेक्शन पे मिल रही है वहीं एशियन पेंट आपको देख लीजिए 26% का रिटर्न दे रही है आपको 1 ईयर में, जहां 50% सारे डिस्काउंट पे मिल रहे हैं सारे के सारे स्टॉक्स। उसके बाद 5 ईयर्स में देखिए 149% का रिटर्न 5 ईयर्स में देख लीजिए, आगे फिर मैक्सिमम ईयर्स करते हैं देख सकते हैं ये 2020 से अभी तक में कितना 10,000% का रिटर्न दे चुका है, कितना का 10,000% का रिटर्न। और 2008 के क्राइसिस में देख लीजिए कितना प्राइस में करेक्शन हुआ था, 127 रुपीज़ से आया था कितना 75 रुपीज़, तो वहाँ पर एक तेज़ गिरावट देखने मिली थी, लेकिन अभी तो इसमें कोई गिरावट नहीं, एक थोड़ा सा गिरावट आया था देख सकते हैं 1600 का रुपीज़, मतलब 300 का गिरावट इसमें मात्र देखने मिला था।
अब आगे देखते हैं, इस स्टॉक में आपको अभी बाय नहीं करना चाहिए, मतलब अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो आगे जो है, जब आगे के क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे तो वो क्वार्टर के रिजल्ट बेहतर नहीं होंगे, तब हो सकता है इसके प्राइस में करेक्शन आए, तब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो जो हमारा लॉकडाउन है उसके कारण इसमें कोई भी सेलिंग नहीं है, मतलब इस स्टॉक में कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है कंपनी को। तो जैसे प्रॉफिट इस कंपनी ने, तो स्टॉक में करेक्शन आएगा रिजल्ट के बाद। तो प्राइस कह रहा है मोर देन इंटरेस्टिक वैल्यू है, रिटर्न एफडी से ज़्यादा जनरेट किया है, डिविडेंड अट्रैक्टिव डजेंट ऑफर अट्रैक्टिव डिविडेंड, डिविडेंड अट्रैक्टिव नहीं है, देख लेंगे आगे हम डिविडेंड कितना परसेंट दे रहा है। गुड टाइम टू कंसिडर, उसके बाद देख सकते हैं डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी लो, ना तो कोई शेयर प्लेस्ड है ना तो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी इसका हाई है, मतलब हर तरह से ये स्टॉक्स जो है बेहतरीन है, इसलिए कह रहे हैं कि ये आपके पोर्टफोलियो में लाइफ टाइम के लिए होनी चाहिए। तो बहुत ही बेहतर स्टॉक्स है ये सारे के सारे, जो भी स्टॉक्स हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो अभी इस में प्राइस जो है, जब तक करेक्शन नहीं आता है तो आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जो मार्केट में आगे क्या होने वाला है ये कोई नहीं कह सकता। आगे मार्केट में गिरावट आएगा या तेज़ी आएगी ये हम भी देख रहे हैं, और आपको भी वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगला जो हमारा शेयर है जो आपके पोर्टफोलियो का हमेशा के लिए हिस्सा होना चाहिए, वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, वन ऑफ द लीडिंग शेयर ऑफ निफ्टी 50। निफ्टी 50 का लीडिंग शेयर है, और आपका भी पोर्टफोलियो का ये लीडिंग शेयर होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन शेयर है, ये आपको डिविडेंड भी देता है, ग्रोथ भी देता है, और अभी इसका प्राइस भी आपको अट्रैक्टिव मिल रहा है। तो कह रहा है अभी भी प्राइस मोर देन इंटरेस्टिंग वैल्यू है, लेकिन जैसे इसमें थोड़ा सा करेक्शन आता है, 1600 के आसपास ये स्टॉक आया हुआ था और फिर नीचे आता है, तो आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और एफडी से ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया है, गुड टाइम टू कंसिडर है, और प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी वेरी लो है, कोई शेयर भी प्लेस नहीं है, कोई कंपनी के पास कर्ज भी नहीं है, तो हर तरह से ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन है। चलिए वन मंथ का रिटर्न देख लीजिए, अभी ये डाउन है, देखते वन मंथ में 2.30% रिटर्न है, वन ईयर में यह डाउन होगा, देखते हैं -17% डाउन है, मतलब 17% आपका जो प्राइस है 17% करेक्ट हो चुका है, मतलब 17% नीचे मिल रहा है आपको। अब 5 ईयर्स देख लीजिए, अभी 49% का रिटर्न दे रहा है, और मैक्सिमम ईयर में बात करते हैं तो देख सकते हैं कितना का रिटर्न दे रहा है, 1440% का रिटर्न दे रहा है हमारा, कब से 2004 से लेकर अभी तक में देख सकते हैं अप्रॉक्स 1440 पर ये दे रहा है स्टॉक्स। अब हम इसका आपको दिखा देते हैं जो और सारे हमारे पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो देखते हैं पी रेशियो 21 का है और सेक्टर का है 17, मतलब सेक्टर के अभी पीवी रेशियो से अभी भी ये ज़्यादा वैल्यू पे मिल रहा है। उसके बाद देख सकते हैं पीवी रेशियो 8.19 रुपीज़ है, और जो सेक्टर का पीवी रेशियो है मात्र 4.18 है, मतलब सेक्टर से अभी भी ये दोगुने पीवी रेशियो पर मिल रहा है, मतलब जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट कर रहा है। डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं बहुत ही शानदार है, 1.81% का डिविडेंड यील्ड है, देख सकते हैं बहुत ही शानदार डिविडेंड यील्ड है, और अपने सेक्टर के जो डिविडेंड यील्ड है उससे ज़्यादा डिविडेंड पे करती है, तो आपको ग्रोथ भी मिल रहा है। और एक जो हमारा निफ्टी का लीडिंग शेयर है, मतलब स्टॉक मार्केट जो लीडिंग शेयर है वो मिल रहा है, और डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिल रहा है। तो ये सारे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में अवश्य होने चाहिए। तो अगला स्टॉक से हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर, अभी देख सकते हैं एफएमसीडी सेक्टर का सबसे लीडिंग शेयर है हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर, और हर किसी के पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसे ऐसे स्टॉक्स नहीं है तो ऐसे गिरावट में आपके पोर्टफोलियो निगेटिव में जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि ये जो 5 शेयर आपको बताए इसमें मात्र टीसीएस था, इसी में देखे आपने कि 17% का गिरावट है, और जो भी शेयर है वो सब के सब आपको अभी भी इतने गिरावट वाले मार्केट में भी आपको पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। तो समझ सकते हैं कितने ज़बरदस्त ये सारे स्टॉक है। टीसीएस क्यों बताया, टीसीएस आपने डिविडेंड यील्ड देखा कितना शानदार है, आगे ग्रोथ भी है उस कंपनी में, रिटर्न भी एक लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़बरदस्त दिया है, इसलिए हमने टीसीएस को भी इसमें शामिल किया है। 5 जो आपके पोर्टफोलियो का लाइफ टाइम, मतलब जिंदगी भर, जीवन भर के लिए जो स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, और इसमें से कई सारे स्टॉक्स हमारी पोर्टफोलियो में भी है, और जैसे मार्केट में आगे गिरावट आती है तो फिर हम इसमें और अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को ऐड करेंगे इन सारे स्टॉक्स को।
मतलब और ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करेंगे इन सारे स्टॉक्स को, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स जैसे गिरावट में मिलता है आपको, डिस्काउंट में मिलता है, तो ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये आपको एक वेल्थ क्रिएट करके देगा। चलिए तो हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिए, 1 वीक का चार्ट -3% डाउन है, और 1 मंथ में देखते हैं, 1 मंथ में 5% का रिटर्न, जहां 50% करेक्शन देखा गया है अन्य स्टॉक्स में, वहीं देख सकते हैं ये 5% का रिटर्न दे रहा है 1 मंथ में। 1 ईयर का रिटर्न देखिए 32%, 50% करेक्शन, इसमें 32% का रिटर्न, मतलब कितना का डिफरेंस है, 80% का, समझ सकते हैं। इस स्टॉक को लेकर रखते हैं और दूसरा स्टॉक लेते हैं, दोनों में 80% का डिफरेंस है। 5 ईयर्स में देख सकते हैं 167% का रिटर्न दे रहा है। मैक्सिमम ईयर करते हैं, मैक्सिमम ईयर में देख सकते हैं 2000 इसमें से अभी तक में ये कितना परसेंट का रिटर्न जनरेट कर रहा है, 749% का, और डिविडेंड भी इसका शानदार है, तो डिविडेंड के रूप में भी आपको रिटर्न देती है ये कंपनियां, और रिटर्न तो देख ही रहे हैं कि 749% का रिटर्न, 749% का रिटर्न, तो ज़बरदस्त रिटर्न है। और करेंट प्राइस जो है इंटरेस्टिंग वैल्यू से अधिक है, क्योंकि इस स्टॉक में कोई करेक्शन तो देखने मिला नहीं है, बीच में थोड़ा सा करेक्शन आया था, अगर वहाँ पर आप बाय करते तो ज़्यादा अच्छा था, वहाँ पर बाय नहीं किए हैं तो थोड़ा वेट कीजिए, इसमें जैसे करेक्शन आता है तो आप कर सकते हैं। FD से ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया है, गुड डिविडेंड देने वाली स्टॉक्स है, और जो टाइम है मतलब हमारा, आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन प्राइस में जब तक करेक्शन नहीं आता, 2000 से नीचे नहीं आता है, तो हम कहेंगे आप इसमें इन्वेस्ट ना करें। प्रमोटर्स होल्डिंग कोई प्लीज नहीं है, और जिसका डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी है बिल्कुल लो है, तो ओवरऑल स्टॉक्स बहुत ही बेहतरीन है। अब चलते हैं हम और अन्य पैरामीटर्स देखते हैं कि क्योंकि अभी जो हमारे स्टॉक्स है, बहुत सारे स्टॉक्स बहुत ही चीप वैल्यू पे मिल रहा है, मतलब अपने इंटरेस्टिंग वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा नीचे मिल रहा है, तब वैल्यू बाइंग कर सकते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स है वैल्यू बाइंग कर सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं पी रेशियो इसका कितना है, 82.98 रुपीज़, तो पी रेशियो इतना है, मतलब 1 रुपया कमाने के लिए इतना रुपया पे कर रहा है इन्वेस्टर। वहीं सेक्टर का पी रेशियो देख सकते हैं मात्र 43 है, तो सेक्टर के पी रेशियो अप्रॉक्स 2 गुने प्राइस पे मिल रहा है ये। आप प्राइस टू बुक वैल्यू देख सकते हैं 63.85 रुपीज़, और सेक्टर का देख सकते हैं मात्र 10 रुपया, मतलब इस स्टॉक के 1 रुपया बुक वैल्यू के लिए 63.85 रुपीज़ देने के लिए इन्वेस्टर तैयार है, समझ सकते हैं कितना ये महंगा स्टॉक्स है, जबकि सेक्टर का मात्र 10.70 रुपीज़ है। और डिविडेंड यील्ड देख लीजिए, स्टॉक्स 1% के आसपास है तो बेहतर है, क्योंकि अभी इसका प्राइस में कोई करेक्शन भी नहीं आया, जैसे करेक्शन आता है डिविडेंड यील्ड बढ़ जाता है। उसके बाद सेक्टर डिविडेंड परसेंट देखते हैं 1.28%, इससे ज़्यादा पीछे भी नहीं है ये स्टॉक, क्योंकि और सारे स्टॉक्स में कुछ ना कुछ करेक्शन देखने मिला है, इसमें कोई करेक्शन आपको ज़्यादा देखने नहीं मिल रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा, तो इन सारे स्टॉक्स में आप अपना रिसर्च भी करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी सलाह ले लें, और तब जा कर के आप इन्वेस्ट करें। और सबसे पहले आप टेक्निकल एनालिसिस ज़रूर करें, टेक्निकल एनालिसिस होता है कि किस प्राइस पे हमें बाय करना चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस और मैनेजमेंट का जो हम एनालिसिस करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में, उससे हम ये सोचते हैं कि कंपनी कैसा है, आगे कैसा परफॉर्म करेगा, बिजनेस मॉडल कैसा है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस किस प्राइस पे आपको बाय करना है ये ज़रूर करें, तो टेक्निकल एनालिसिस भी होना चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस भी होना चाहिए। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।